नमस्कार, आप सभी का न्यूज पीआर पर स्वागत है। मैं हूं रिया। बता दें आपको कि दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे डीएसपी का एक और फर्जी बयान सामने आया है और पत्नी ने ही एफआईआर दर्ज कराई है और उन्होंने बोला है कि मेरे फर्जी साइन कर 10 लाख का हाउसिंग लोन लिया गया है। गया में दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे बिहार पुलिस के सीनियर डीएसपी कमलाकांत प्रसाद के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में एफआईआर दर्ज कराया गया है। इस बार उनके ऊपर एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी के साथ मिलकर फर्जीवाड़े करने का मामला सामने आया है। गंभीर आरोप लगाया गया है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी आनंद तनुजा ने लगाया है। बता दें कि आनंद तनुजा ने ही इस बात का खुलासा किया था कि ये जो डीएसपी कमलाकांत हैं, इन्होंने एक माइनर गर्ल का रेप किया था और इसके बारे में उन्होंने ही बताया कि किस प्रकार से वो चुप रही और वो लड़की चुकी माइनर कास्ट से बिलोंग करती थी, उसे घर पर बुलाया और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया, उसके घर वालों को चुप रहने के लिए कहा गया और इस प्रकार से ये पाप के घेरे में छिपा हुआ था, जिसके बाद उनकी पत्नी ने सारा खुलासा कर दिया था। गांधी मैदान थाने में उन्होंने लिखित तौर पर आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस ने भी 420 और 120B सहित आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। गांधी मैदान के थानेदार रंजीत वत्स ने केस दर्ज कर जाने की पुष्टि जारी की है और उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। बता दें कमलाकांत प्रसाद के खिलाफ पुलिस मुख्यालय ने अखबार में छपवाया था विज्ञापन और एडीजी ने सभी बिचलों के एसपी को तलाशने को दिशा निर्देश भी दिए थे। बता दें कि पहले 35 लाख का लोन लिया था। बता दें कि मुंबई में रहने के दरमियान यह खेल हुआ है और अब तक का 4 केस कमलाकांत पर दर्ज हो चुके हैं। बता दें कि सीनियर डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को होम डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर रखा है। इनके ऊपर अब तक 4 FIR दर्ज हो चुके हैं। इसमें 2 FIR पत्नी ने ही दर्ज किए हैं। इसमें 498 का पहला FIR पटना के रुपसपुर थाना में दर्ज हुआ है और अब फर्जीवाड़े का दूसरा मामला है गांधी मैदान थाने में, उनकी पत्नी ने ही कराया है। इसके अलावा गया में नाबालिग से रेप का मामला है जिसमें वो फरार चल रहे, इसी केस की वजह से उन्हें सस्पेंड भी किया गया। 4th केस SC ST से जुड़ा है जो गोपाल गंज में दर्ज हुआ था। तो इस प्रकार से एक फर्जी वाड़े का मामला भी डीएसपी के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि ये एक विभाग के OSD भी रहे हैं और इस प्रकार से कमलाकांत के काले चिट्ठे खुलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ आप बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।